सर इसमें एक लिखिए पास आपका नौ पर दिखाइए, एक पास दो नौ। जीरो दो त्रिकोण शोधन का जो नियम है वो आप पता है, सबसे कम अंक को तीनों में अलग अलग घटाएं। सबसे कम जी अंक कौन है? सर दो है, दो तो दो आ गया, दो शून्य यहाँ शून्य आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा चार आ चार जाएगा। अब फिर दो दो छह दस में जाइए, दो छह दस दो में छः दस यहाँ पे आएगा दो तीन शून्य, यहाँ तीन शून्य, ठीक है। 3 7 11 दस में, दस द द दो छः दस सर हाँ दो, सॉरी 2 से 10। तीन आएगा दो छः दस तीन, तीन तीन दो दो शून्य 4 8 12, तीन यहाँ सात दस तीन सात 11 4 8 और 12। सबसे कम संख्या 2 है, तो यहाँ 2 दो आ है तो गया, आप शून्य एक यहाँ 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, एक ठीक है। अब यह तो त्रिकोण तीन सात शोधन तीन हो गया। तीन सात 11 3 7 11 बचा हुआ है। 3 7 11 दो शून्य में 5 5 और 3, दो दो शून्य 2 2 0। जी अब एक तो त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, तो एकाधिपत्य शोधन शोधन है 4 और 5 राशियों का, एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक नहीं वो वैसे रहेंगे सर है। अब हम करेंगे तीन राहु केतु और को छह का छोड़ के आगे बढ़िएगा। जी सर तीन और छह में कोई ग्रह नहीं है तीन का भी नहीं होगा 1 मिनट, सबसे पहले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 4 4 में 2 5 में 0, 3 और 6, 3 और 6 में आपके कोई ग्रह नहीं है, तो जहां कोई ग्रह है नहीं है उनका शोधन नहीं हो, नहीं होगा ठीक है। और चार में आपका दो है और तीन में है दो और छह में है शून्य सर आपका दो और सात इसका भी शोधन नहीं होगा सर 2 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 और 7, 7 में कोई ग्रह नहीं, 2 में कोई ग्रह नहीं, ठीक है। दो और दो, एक और आठ एक में दो एक है और आठ आठ में में, शून्य 1 में ग्रह है और 8 में ग्रह आपके नहीं है, तो 1 में अंक हो गए 2 और 8 में अंक हो गए 0। तो 1 में ग्रह हाँ नहीं, 1 में ग्रह है, उसके नियम के अनुसार बताइए क्या है। तो सही है सर जिसमें ग्रह नहीं है उसमें यदि कम है तो शून्य रहेगा और जिसमें ज्यादा ग्रह है उसका रहेगा तो इसमें बिल्कुल एक सही, में दो है तो और आठ में शून्य है तो सेम रहेगा जो है वही वैल्यू यहाँ होगी 2 एक है में दो वहां हो जाए 0, ठीक है। हाँ जी अब उसके बाद आगे बढ़िए, नौ और आपके बारह सभी हाँ भाव हो गए हैं। 9 और 12 को देखिए, तो 9 में कोई ग्रह आपके हैं, जी सर नौ में ग्रह है 12 में कोई ग्रह नहीं है यहाँ भी नौ में चार हो जाएंगे और 12 में शून्य हो जाएगा 12 में 0 है, 12 में 1 है, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10 और 11 दस और दस और ग्यारह में दोनों ग्यारह में में, ग्रह है हाँ तो राहु को दस और लेंगे कि नहीं ग्यारह लेंगे सर में राहु को नहीं लेंगे दोनों में हम, हाँ तो 10 और 11 तो में फिर कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तो हाँ यथावत इसे हम लिख हाँ देंगे, 3 और 0, नहीं सर 11 11 में कोई ग्रह नहीं है 3 और 0 जी सर ठीक है। अभी हो गया एकाधिपत्य शोधन, ठीक है। अब एकाधिपत्य शोधन के बाद क्या आता है? शुद्ध पिंड आता है, ठीक। तो शुद्ध पिंड में हमें क्या करना है, इसका पहले राशि गुणा करते राशियों को गुणा करना है, ठीक। पहले मेष का अंक क्या है?
मेष का अंक मेष का है दो, सात है, एक मिनट, मेष का अंक हमें क्या मिला है यहाँ? दो मिला है, दो दो को दो गुणा करेंगे सात से, हमें क्या मिला? 14। 14 ऋषभ में ऋषभ का अंक क्या मिला है हमें? दो। दो अब दो को दो गुणा करेंगे हम 10 से, हमें कितना मिला? 20। 20 तीसरे राशि में कितना अंक हमें मिला है? दो। दो दो को गुणा करेंगे हम 8 से, कितना आया? 8 16।16 चौथी राशि में हमें कितना अंक मिला है? दो। दो उस दो को चौथी राशि का गुणा कर क्या है? 4। तो 4 को 2 चार से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 8। आठ अब पुनः पांचवी राशि में कितना मिला है? शून्य। अब शून्य को कितना से भी गुणा सुनो करेंगे? शून्य, तो आगे बढ़ेंगे। छठे में शून्य मिला है, तो आगे बढ़ जाएंगे। सातवें में हमें 2 मिला है, तो सातवीं राशि का गुणा कर क्या है? 7। तो हमें कितना मिल गया है सात यहाँ? प्राप्त अंक 14। फिर चौदह 8वीं राशि में शून्य है, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर 9वीं राशि में अंक हमें 4 मिल रहा है, 9वीं राशि का गुणा कर 9 है, तो 9 को हम 4 से गुणा नौ करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 36। छत्तीस अब 10वीं राशि में जाएंगे, 10वीं राशि का गुणा कर, 10वीं राशि में कितना अंक है हमें? 3 मिल रहा है। 10वीं राशि का तीन है गुणा कर पांच क्या है? 5 है, तो 5 को 10 से हम, 5 को 3 से हम गुणा करेंगे, 15। पंद्रह 11वीं राशि में शून्य मिला है, और 12वीं राशि में हमें 1 मिला है। 12वीं राशि में हमें शून्य मिलेगा, जी सर शून्य ठीक है, क्योंकि सब में शून्य 12वीं, जी सर हाँ, 12वीं राशि में कोई ग्रह नहीं है, और उसमें ग्रह है, तो 12वीं में शून्य चौबीस मिलेगा। चौबीस तो चौदह एक कितना हुआ टोटल? सौ दस 116 116 और 4 121 131 सर 121। अब इस 31 थर्टी 121 वन को यहाँ रख लिए, यह हो गया राशि का, राशि पिंड, ठीक सर वन है, थर्टी वन थर्टी वन थर्टी वन 131, ठीक है, यह हो गया राशि पिंड। अब राशि पिंड के बाद हम चले जाएंगे, एक मिनट, हम एक बार इसे देख लें। 10, 20, 30, 40, 50, 55, 30, 80, 90, 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
आठ, 110, 110, 110, 9, 119, 19। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा राहुल जी। कितना आ रहा सर? 20 और 14, 34, 34, 34, 34, 20, 58, 66, 66, 66, 70, 10, 80, 80, 30, 116 और 5, 121, 10, 121 ही आ रहा सर ना? ठीक, बस 131 ही आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यार राशि पिंड हमें मिल गया, राशि पिंड के बाद हम जाएंगे ग्रह पिंड के ग्रह ऊपर। को ग्रह पिंड में देखें कौन कौन से राशियों में हमें ग्रह मिल रहा है। तो हमें पहली एक में राशि में दो है। ग्रह मिल गए, चंद्रमा और मंगल। तो पहली राशि का क्या प्राप्त अंक हमें मिला है? 2। अब दो 2 को गुणा करेंगे हम चंद्रमा के गुणाकर से। चंद्रमा का गुणाकर कितना पांच है? 5। तो 10 मिल गया। पांच फिर मंगल के गुणाकर से करेंगे, तो मंगल का गुणाकर 8 है, तो हमें 16 मिल गया। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे चौथी राशि में। चौथी राशि में शुक्र है, गुरु है, शुक्र है। शुक्र, गुरु और शुक्र, शुक्र गुरु और शुक्र का जो गुणाकर है उससे हम चौथी राशि में जो अंक हमें मिला है उससे गुणा करेंगे। तो सूर्य का पांच कितना है प्राप्त अंक में मिले हैं? 2। सूर्य का मिला है दो 5, तो 10 आ गया। उसके बाद शुक्र का 7 है, 14 आ गया। और कौन बच गए? गुरु है, गुरु गुरु का 10। गुरु का 10 है, 20 हो गया। अब आगे पांचवे में बुद्ध है, तो पांचवे में शून्य हमें मिला है, तो शून्य को कुछ भी सुनने करेंगे शून्य ही मिलेगा। नौवे में शनि है, नौवे का गुणाकर कितना है? नौवे चार में प्राप्त अंक हमें मिले हैं 4।
और गुणाकर है 5 शनि का, पांच। तो यहाँ 20 आ गया। अब और कोई ग्रह तो बचे नहीं है, तो 20 10 30 10, नहीं सर, 20 20 40 10 50 60 सत्तर अस्सी, अस्सी सौ दस 90। नब्बे। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 131 और 90, एक तो 221। 221 हो गया। अब इस 221 का ये 221 क्या हमें हाँ प्राप्त हो गया, शुद्ध पिंड प्राप्त हो गया। अभी शुद्ध पिंड में हम सूर्य का ही निकाल रहे हैं, तो सूर्य में हम सबसे पहले हम जाएंगे कि सूर्य बैठा कहाँ है, तो आपके लग्न में ही बैठा सूर्य, तो ये आपका यार सूर्य भिनाशूर्य का है, भिनाष्टक बन गया, ठीक है, लग्न में होने के कारण। तो इस स्थिति में हम देखेंगे पिता के बारे में, तो सूर्य से नवम जाएंगे हम, सूर्य से नवम जाएंगे, तो सूर्य से नवम में हमें कौन सा अंक मिल रहा है, शून्य मिल तीन। रहा है। अच्छा इसमें हाँ मैं भिन्न नहीं, माफ कीजिए, एक विनाशक में हमें कौन सा अंक मिल रहा है, मिनाक्षक में एक मिल रहा है ना सर, तीन मिल रहा है, तीन। बिल्कुल। विनाशक में हमें 3 मिल रहा है, और 3 का गुना करेंगे हम 221 से, कीजिए। इक्कीस से गुना कीजिए, तीन221 गुने को छः, छः गुना सौ, कीजिए 3 से, 663। 663। अब इस 663 को हम भाग देंगे 27 से, इस 663 को हम भाग देंगे 27 से, कितना आया, 24.5, मतलब 24 नक्षत्र चला गया है, 25वां चल रहा है। चल रहा है 25वां नक्षत्र कौन सा है, 25वां है सर, 8 तारीख, 25 26 27। गुरु का आप पी सही भी बोल रहे हैं, ये हाँ, पुष्य बैसाखी और पुनर्वसु, पूर्व पूर्व भाद्रपद है सर, पूर्व भाद्रपद। पिछवा नक्षत्र कुलवा भाद्रपद है, कुलवा भाद्रपद जी का सर, स्वामी कौन है, पूर्णवसु, गुरु विशाखा, कुलवा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र क्या हो जाएंगे जातक के लिए, जातक के पिता के लिए कष्ट कारक हो जाएंगे, ठीक है। कब कष्ट कारक हो जाएंगे, जब इन 3 नक्षत्रों में शनि प्रवेश करेंगे, तो जातक के पिता के लिए वह समय कष्ट कारक होगा, यह स्पष्ट है। अब इन 3 नक्षत्रों में, जैसे पूर्वा भाद्रपद में शनि कब प्रवेश करेंगे, अभी कौन से राशि में शनि चल रहे हैं, कुंभ में चल रहे हैं, जी सर। देखिए शनि गोचर में तो कुंभ में ही है ना, एक बार आप लोग स्पष्ट हो जाइए। शनि इसमें ही चल रहे हैं, ठीक है, कौन हाँ से नक्षत्र में है अभी शनि, शनि अभी पूर्वा भाद्रपद में है, ठीक हाँ है, यह नक्षत्र आपके पिता के लिए कष्ट कारक है। अब कब यह कष्ट कारक होगा, शनि 20 डिग्री के हैं, ठीक है, और हाँ जब कुंभ राशि में शनि तेईस
20 से 30 डिग्री के रहेंगे, 20 से 30 डिग्री के जब कुंभ राशि में शनि होंगे तो पिता के लिए कष्टकारक होगा, ठीक है। तो अभी शनि पूर्वा भाद्रपद में ही चल रहे हैं और अभी 20 डिग्री शनि निकले हैं, 21वें डिग्री में प्रवेश कर, 21वें डिग्री में चल रहे हैं, 20 डिग्री निकल गया इनका, तो इस स्थिति में अभी यह आपके पिता के लिए कष्टकारक है। अब यह पिता के लिए कष्टकारक होगा, यहां तक तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यह कैसे कष्टकारक होगा उसके लिए फिर हम जाएंगे जन्म कुंडली पर, और जन्म कुंडली में हम इसका निरीक्षण करेंगे। तो उसका निरीक्षण करने के लिए आप लोगों को याद हो कि अष्टक वर्ग हमने शुरू कहां से किया था, यदि स्मरण है आप लोगों को तो बताइए। सर अष्टक वर्ग तो हमने शुरू किया। अच्छा दशा लग्न टेक्निक से, लग्न टेक्निक। तो दशा लग्न को हम बना लेंगे। मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, जी मंगल को जब दशा लग्न हम बना लिए तो आपके नवम भाव में अर्थात पिता के स्थान में कौन आ गए, सनी। शनि आ गए। अभी दशा किसकी चल रही है आपकी कुंडली में, सनी आपको चीजें स्पष्ट बिल्कुल हो गई होंगी गोचर से अष्टक वर्ग से। जी सर। जो आपको दशा बता रहा है वही आपका गोचर भी बता रहा है, अष्टक वर्ग भी बता रहा है आपको, इससे तो पता चल गया होगा। लेकिन इन दोनों को आपको ऐसे ही यूज करना है, अष्टक वर्ग दशा लग्न टेक्निक को कंबाइन करके। तो यहां चीजें स्पष्ट हो गई कि जातक को समस्या है, जातक के पिता को समस्या होगी, जातक के पिता को कष्ट होगा, ठीक है। अब कब कष्ट होगा कब कष्ट नहीं होगा, क्योंकि 20 से 30 डिग्री अर्थात शनि जब पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे तो कष्ट तो होगा ही। आपके पिताजी की सेहत कैसी चल रही है राहुल जी? अभी तो ठीक है सर, ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, भगवत कृपा है, और भगवत कृपा के साथ साथ एक और कृपा आपके ऊपर चल रही है, जो कृपा आपकी अभी खत्म हो जाएगी, थोड़ा सतर्क रहिएगा अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई के बाद से, ठीक है। एक और भगवत कृपा यह चल रही है कि अभी जैसे ट्रांजिट में गुरु जो हैं वो एक नंबर राशि में हैं, ठीक जी है। गुरु देखिए ट्रांजिट में अभी यहां चल रहे हैं, ठीक है, अभी आपकी दशा लग्न से, तो इस स्थिति में गुरु की पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पे जा रही है, नवी दृष्टि। हाँ नौवीं दृष्टि। तो इस कारण से आपके पिता की सेहत में कोई समस्या गुरु नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही गुरु यहां से निकल जाएंगे तो थोड़ा आपके लिए यह सोचने के लिए, सोचने का विषय होगा, ठीक है, क्लियर। अब कब आएगा उसे देखेंगे हम, कहां से, प्रस्तारक से। शनि कितने डिग्री के अभी हैं, 20 डिग्री, 20 है, 21 डिग्री। 20 डिग्री पार कर गए, 21 डिग्री में चल रहे हैं, ठीक है। शनि कौन से राशि में है, 11वीं राशि में। अच्छा अभी कौन सा चल रहा है, छठा चल रहा है 18:45 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बुध का, बुध ने अंक दिए हैं, नहीं नहीं दिया है सुनना। चंद्रमा ने दिए हैं, लग्न ने नहीं दिए हैं।
ठीक है। हाँ तो अभी गुरु जो दशा में गोचर में चल रहे हैं उनका विशेष प्रभाव है आपके कुंडली के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप कीजिए कि भाई भगवत कृपा बनी हुई है। अब वैसे ही यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे यहां पे हमें देखना है, क्या करना है। अब वैसे ही जैसे हमने समझा, जन्म जन्म समय में जहां सूर्य स्थित है वहां से नवी को हम पिता का स्थान समझेंगे, सूर्याष्टक के अंतर्गत। फिर यहां से आगे हमने समझा जब शनि गोचर में आएगा तो पिता को कष्ट होगा, उस त्रिकोण नक्षत्रों में पिता को, या जो पितृतुल्य व्यक्ति है, अच्छा कोई वैसे व्यक्ति की मृत्यु आपके घर में हुई है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति आपके हैं जिन्हें कष्ट हुआ है उनके जीवन में, जो आपके पिता के तुल्य रहे हैं, पितृतुल्य रहे हैं, बताइए। जरूर हुआ है सर, कुछ दिन पहले ही तो बताया नहीं था। वो हमारे जो चाचा हैं, जो मतलब भाई है उनके, उनकी वो बहू मर गई थी ना, अच्छा, तो उन्हें कष्ट हुआ, मेरी बहू। महान कष्ट उन्हें देखने को मिला, ठीक है। तो पितृतुल्य हो या पिता हो, उन्हें कष्ट मिलता है। वो तो मिला ही सर, अभी शनि में जो गोचर में तो अपना काम दिखाई, वो प्लस उस समय केतु थे, शायद केतु का ही, चलो नहीं शनि के थे, शनि में केतु आए हुए थे। तो आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक नक्षत्र से दसवां और उसका 19वां नक्षत्र उसका त्रिकोण में होता है, ठीक है। जब आप गिनेंगे पूर्णवसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद को, तो ये अपने से 10वें और 19वें में आपको मिलेंगे, अच्छा ठीक है। वैसे ही एक और पद्धति थी जिसमें हम करते थे, जो हमें शुद्ध पिंड प्राप्त हुआ है उन शुद्ध पिंड को हम 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो शुद्ध पिंड हमें जी कितना जी प्राप्त हुआ है, 663, 663 हमें शुद्ध पिंड प्राप्त हुआ, तो उन शुद्ध पिंड को हम भाग देंगे 12 से। बारह सौ 48, 55.25 49, 50, 51, मेष 249, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 8वीं राशि। अर्थात 8वीं राशि में जब गोचर करेंगे शनि तो पिता को अत्याधिक कष्ट होगा, या जो पितृतुल्य व्यक्ति हैं उन्हें कष्ट होगा। लेकिन यह ज्यादातर कब होगा, अर्थात सूक्ष्मता कहाँ हमें देखने को ज्यादा मिलेगी, हमें नक्षत्रों में ज्यादा सूक्ष्मता देखने को मिलेगी। और इसे और अच्छे से समझने के लिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए, अर्थात ये चीजें बिल्कुल सटीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपका लग्न कुंडली है। अब लग्न कुंडली में हम पिता का भाव अर्थात जो नवम भाव है उसे हम लग्न बना लेंगे, और लग्न बनाकर देखेंगे दशा किसकी चल रही है। अब इसमें दशा किसकी चल रही है, मंगल के अंदर शनि की दशा मंगल। चल रही है, ठीक है। मारक का महादशा चल रहा है, ठीक है। उसके साथ चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छे हैं तो इसलिए मंगल के रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। अब देख लेते हैं शनि,
शनि का कुछ आपको दिख रहा है? शनि 11 और 12 भाव के मालिक हैं और शनि की दशा चल रही है, जी तो यह भी आपको स्पष्ट कर रहा है। जैसे नहीं। एक पद्धति जो है वो नहीं, दो नहीं, तीन तीन पद्धतियां अर्थात अष्टक वर्ग इतना दशा खाना लग्न है। खाता है ये, है ना अंशु? बगल में खाया गया है। दशा लग्न टेक्निक, अष्टक वर्ग और इन सब के साथ में आपका यह जो भाव को हम लेते हैं उसके अनुसार ये तीन अंक तीन तरीके से आपके पिता को कष्ट हमें दिख रहे हैं, ठीक है? जी उसके सर, लिए आप यूटिलाइजेशन उनके लिए यदि संभव हो सके तो उन्हें आप उनके स्थान से दूर कर सकते हैं, या आप यह कर सकते हैं उनके लिए कि कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो तो वहां जाकर उसके निमित्त कुछ खर्च कर देना, या वहां जाकर उससे मिलते रहना, वहां जाकर उसकी व्यवस्था बनवाना, अर्थात हॉस्पिटल में जाकर लोगों की मदद करना, तो उससे भी आपके पिता के जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। और यदि स्पष्टता की जाए राहुल जी, तो कष्ट तो भाई जीवन में आना वो जो तय है वो तय है, ठीक हाँ वो तो निश्चित है सर। है? या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उन्हें भी कष्ट होता है। लेकिन सर ये तो अभी जो दिखा रहे हैं इसमें तो जो पिता तुल्य व्यक्ति उनको तो कष्ट हो ही चुका है, हाँ, हो चुका है परिवार वो, परिवार में भी लेकिन हुआ वही है। थोड़ा सतर्क रहना है आपको। जब शनि चल रहे हैं 22.30 डिग्री तक, और उसके बाद जब शनि चलेंगे 26 से 15 से 30 डिग्री तक, वो थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता वहां पड़ेगी, ठीक है? वहां थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। 26 है सर। जब शनि 26.15 डिग्री से 30 डिग्री तक चलेंगे तो आपको अच्छा ध्यान देना होगा, और जब शनि अभी 22.30 डिग्री तक रहेंगे तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? देखिए, आप यदि नहीं समझ पाए हो, प्रस्तारक को देख रहे हैं ना, जी सर, आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बुध ने यहाँ अंक नहीं दिए हैं शुभ अंक शनि को, पता जी। ना ही लग्न ने यहाँ शुभ अंक दिए हैं, चंद्रमा एक दिया है। जी, तो मतलब 26-15 से 30 तक, और अभी जो चल रहे हैं 22-30 तक, बाईस तीस तक। बहुत थोड़ा कष्टकारक रहेगा पिता के लिए। तो सर इसमें जैसे कि यदि किसी मान लीजिए किसी का उपाय हो, वो व्यक्ति उपाय नहीं कर पाए, तो उसके यदि किसी से के उपलक्ष्य में यदि हम उपाय कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं उसमें। ब्लड आप रिलेशन तो उपाय कर सकता हूँ, हाँ, मान लीजिए बिल्कुल किसी किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी को दवा दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, तो उनका उस वक्त यूटिलाइजेशन तो हो आपके जो सकता है। भाव होंगे, उस वक्त जो आपके भाव होंगे राहुल जी, वो आपके भाव होंगे कि मैं अपने पिता के निमित्त कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और ध्यान देने की बात यह है कि अभी जहां आपके सूर्य बैठे हैं, ठीक है, अर्थात विनाष्टक को निकालने, तो आपके लिए थोड़ी सरलता होगी समझने में। इस रूल को लिख लीजिएगा, रूल यह है कि जब त्रिकोण नक्षत्रों में शनि गोचर कर रहे हो, जब त्रिकोण अर्थात जो तीन नक्षत्र त्रिकोण नक्षत्रों में शनि गोचर कर रहे हो, उसी समय सूर्य से अर्थात जो लग्न सूर्य का जो विनाष्टक लग्न बना है, सूर्य विनाष्टक से सूर्य से चौथे भाव में राहु हो, या चौथे भाव के ऊपर शनि मंगल
शनि, मंगल, गुरु, शुक्र की दृष्टियां ना हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। त्रिकोण नक्षत्रों में शनि गोचर कर रहे हो और जहां सूर्य बैठे हैं वहां से चौथे भाव में राहु बैठे हैं गोचर के अंतर्गत। ठीक है, गोचर में राहु वहां हो और इनके ऊपर शनि का या मंगल का, गुरु का या शुक्र की दृष्टि ना हो तो जातक के पिता के मृत्यु की संभावना होती है। जैसे जैसे अभी आपके कुंडली के अंतर्गत सूर्य जो है वो आपके लग्न में बैठे हैं। ठीक है, सूर्य लग्न में बैठे हैं, अभी तो गोचर में नहीं है राहु। यदि राहु यहाँ गोचर में हो, ठीक है, और राहु के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि, तो ग्रह की दृष्टि अर्थात यह समझिएगा कि गोचर में कोई ग्रह या फिर ऐसे कोई ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, ठीक है, तो इस स्थिति में जातक के पिता की मृत्यु की संभावना होती है। अभी तो राहु गोचर में 12वें में है ना सर, 10वें में है। हाँ, अभी सूर्य से तीसरे में है आप, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। अच्छा राहु आपकी कुंडली में सूर्य से तीसरे में है, यहां है राहु चल रहे हैं अभी, राहु निकल गए वहां से। दूसरा, लग्न नियम सर। हाँ, दूसरा नियम है, लग्न या चंद्र कुंडली से नवम राशि में शनि का गोचर हो, लग्न या चंद्र कुंडली से अर्थात जिसका लग्न है या जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उससे शनि नौवे राशि में गोचर कर रहा हो और शनि पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, या शनि पाप ग्रहों से पीड़ित हो किसी भी प्रकार गोचर में या आपके लग्न कुंडली में, विशेषकर गोचर में, तो यह पिता को परम अनिष्ट करता है अर्थात पिता को अत्याधिक कष्ट जीवन में लाकर देता है। अब इसमें जैसे अभी आपका ये लग्न है, अब इस लग्न से नौवे में, लग्न से नौवीं राशि, लग्न से नौवीं कहाँ आ जाएगा, बारहवा आ जाएगा, बारहवीं राशि में शनि गोचर करेंगे, अच्छा तब 2026 में, 2026 में मार्च के बाद अपने पिता पे विशेष ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, क्योंकि 2026 में 4 से 5 ग्रह जो हैं वो शनि के साथ आ रहे हैं और मीन राशि में ही आ रहे हैं। दूसरा, चंद्र कुंडली से अर्थात जहां चंद्रमा बैठे हो, ये चंद्रमा आ गया, अब चंद्र कुंडली से नवम में जब शनि गोचर कर रहा, चंद्र कुंडली से जब नौवे राशि में शनि गोचर कर रहा हो, ठीक है, तो यह पिता के लिए कष्टकारक होगा। कब होगा, जब शनि पीड़ित अवस्था में हो, साथ में गोचर में ही शनि पीड़ित हो, राहु से दृष्ट हो, गुरु से दृष्ट हो, ठीक है, तो ऐसी अब परिस्थितियां प्रकट आपके जीवन में करेगा। बनती। जी,